हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेडिंग व्यू पर कैंडलस्टिक एनालिसिस करने की एक सीक्रेट टेक्निक शेयर करूंगा जो कि आपने शायद कहीं और नहीं सुनी होगी। इस टेक्निक से आपकी कैंडलस्टिक एनालिसिस 100% इम्प्रूव हो जाएगी और ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कैंडलस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए आज का ये मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो और कैंडलस्टिक एनालिसिस कर रहे हो तो आपको शुरू शुरू में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। इसमें सबसे पहली डिफिकल्टी है इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग। तो कैंडलस्टिक एनालिसिस सीखना काफ़ी टाइम ले सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। बेसिक पैटर्न्स करके भी लगभग 35 से 40 पैटर्न्स हो जाती है। तो इट कुड बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग टू लर्न एंड आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स। और दूसरी जो डिफिकल्टी है वो ये है कि इट कुड बिकम सब्जेक्टिव। तो बहुत सारी पैटर्न्स तो है ही, लेकिन पैटर्न्स का इंटरप्रिटेशन भी बहुत सारे है। तो हर किसी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे शायद बुलिश लगे या न्यूट्रल लगे, वो आपको बेरिश भी लग सकती है। So it could become subjective and that's why we need to have some objective elements to improve our candlestick analysis. तो अब मैं आपके साथ एक ऐसा हैक शेयर करूंगा जिससे कि आपका कैंडलस्टिक एनालिसिस एकदम ही आसान हो जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं tradingview.com पर। तो अब आपके सामने tradingview.com पर निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। अब कैंडलस्टिक एनालिसिस करने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है, यहाँ पे इंडिकेटर पे जाना है और इंडिकेटर में जा करके आपको कैंडलस्टिक टाइप करना है। तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स नाम का एक इंडिकेटर आ जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है और ये क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पे कुछ अल्फाबेट्स नजर आएंगे। तो ये अल्फाबेट्स एग्जैक्टली है क्या, तो इसे देखने के लिए पहले मैं आपको ऑल पैटर्न्स की सेटिंग्स में लेकर चलता हूं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पे बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे पैटर्न्स पे आपको टिक मार्क मिलेगा। तो ये जो tradingview.com का एल्गोरिथम है ये आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेता है। तो लेट्स क्लिक ऑन ओके एंड सी व्हाट पैटर्न्स इट इज आइडेंटिफाइंग। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको डी दिख रहा है, तो डी स्टैंड्स फॉर डोजी। तो डोजी का मतलब है इनडिसीजन। और जब कभी भी आप एक ट्रेंड के बाद अगर एक डोजी फॉर्मेशन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि there could be chances of a reversal। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी और उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप BE देख रहे हो, तो BE stands for bullish engulfing candle। तो bullish engulfing candle is a bullish reversal pattern। और यहाँ पे जो सेकेंड कैंडल है वो अपने आगे वाली कैंडल को लगभग पूरी एंगल्फ कर लेता है, इसीलिए इसका नाम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पड़ा है। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये tradingview.com आपके लिए कैंडलस्टिक्स बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो दिस इज वन सीक्रेट ट्रिक विच विल अप योर ट्रेडिंग गेम बाय सेवरल नॉचेस। अब यहाँ पे बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दी गई है, तो इसमें से कौन सी पैटर्न्स आपको सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी चीट शीट बना के रखी हुई है। तो अब आप अपने स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट देख पा रहे हो। ये एक्सेल शीट में मैंने जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडिंग व्यू की साइट पर अवेलेबल है वो सारी की सारी यहाँ पे डाल दी गई है। तो अब मान लीजिए कि आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है, तो ये कैसे कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सिलेक्ट रिवर्सल आउट हियर और इसके बाद मैं यहाँ पे बेरिश पे से टिक मार्क हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट बच जाती है जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इम्पोर्टेंस डिसाइड किया है। आप अपने हिसाब से इम्पोर्टेंस लेवल डिसाइड करके सिर्फ इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ट्रेडिंग व्यू में जाके टिक मार्क कर सकते हो। तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की एक छोटी सी लिस्ट है जो कि आपको बड़ी काम में आएगी। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे डोजी स्टार, ड्रैगन फ्लाई वगैरह कैंडल्स प्लॉट किए कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आप वैसे ही ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिर्फ उतनी ही मार्क कीजिए और फिर ओके कर दीजिए। तो आप सिर्फ वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखोगे जो कि आपके काम में आएगी। तो ये हो गए बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। अब आप अपने स्क्रीन पे बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स की भी एक लिस्ट देख पा रहे हो। आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके ये सारी की सारी पैटर्न्स नोट डाउन कर सकते हो। और ये मैंने इंपॉर्टेंस वाइज मार्क की हुई है और इसी प्रकार से मैंने
बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की भी एक लिस्ट बना के रखिए। तो आप ये सारी की सारी लिस्ट का एक स्नैपशॉट ले लो और फिर कैंडलस्टिक एनालिसिस आप ट्रेडिंग ऊपर जाकर कर सकते हो। अब इससे पहले कि आप ट्रेडिंग ऊपर जाकर ये एनालिसिस करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ट्रेडिंग व्यू का जो एल्गोरिदम है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई की है ये सही है, और अगर सही प्रकार से आइडेंटिफाई की भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न का रिजल्ट आपको जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी फेल होती है। सो कीप दिस इन माइंड व्हाइल ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आगे भी देखने हैं, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को और भी कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सको और भी कौन से टूल्स आपके काम में आ सकते हैं ये अगर आपको देखना है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि यस अपूर्व वी वांट टू सी मोर वीडियोस ऑन ट्रेडिंग व्यू। तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।